हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस तरह की फुल एचडी इमेज स्लाइड विथ बीट इफेक्ट स्टेटस के साथ अलाइट मोशन एप्लीकेशन यूज करके बना सकते हैं, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। तो इस तरह कैसे आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की इमेज स्लाइडिंग स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन जाने के बाद आपको इधर से पेंसिल आइकन में क्लिक करके 1080x2340 वाला रेशियो सिलेक्ट करके इधर से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना, जो कि इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप जो साउंड में स्टार्टर्स वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लस आइकन जाना, ऑडियो में जाना, जो साउंड में आप स्टार्टर्स वीडियो बनाना चाहते हैं वो साउंड को आपको इधर से ऐड कर लेना। तो इधर से मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद क्या करना है, इधर से आपको इमेज को ऐड करना है। अगर आप फुल स्क्रीन वाला इमेज चाहते हैं तो पहले से मैं एक वीडियो बनाया कैसे आप किसी वीडियो से इमेज लेके उसको एचडी कर सकते हैं, तो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो को देख के आपको इमेज क्रिएट कर लेना है। तो पहले से मैं क्रिएट करके रखा हूँ। तो प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। उसके बाद आपको इमेज को इधर से ऐड कर लेना है। तो इधर से मैं इमेज को जो कि ऐड कर लेता हूँ। तो अपने हिसाब से आप अगर ये वाला इमेज चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेज को ऐड करने के बाद इस तरह कुछ दिखाई देगा, उसको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल ट्रांसफर जाना है, साइज में जाके इमेज को आपको इस तरह करके पूरा फुल स्क्रीन कर लेना है। तो जैसे मैं पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, तो आपको इस तरह फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको इधर से जो इमेज साइज को इंक्रीज करना है। अगर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ लिरिक्स के हिसाब से बना रहा हूँ तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो लिरिक्स पहला लिरिक्स एंड होता है 3.18 सेकंड तक है, तो इमेज को आपको उतना सेकंड तक ले आना है इस तरह। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से इफेक्ट को ऐड करना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, जो इमेज है इमेज के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मोबाइल ट्रांसफॉर्म जाना है। जाने के बाद आपको पहले एक साइड में इमेज को इस तरह कर स्लाइड करके इमेज को आपको ले लेना है। इस तरह देख सकते हैं रेड लाइन दिखाई दे रहा है, तो इस तरह स्लाइड करके आपको पहले इमेज को राइट साइड में इस तरह पूरा स्ट्रेट पूरा एक साइड में आपको ले लेना है। तो इतना मैं ले लेता हूँ। तो लेने के बाद इस तरह पूरा परफेक्टली रेड लाइन जैसे दिखाई दे उसी प्रकार से आपको पूरा लेना है, जबकि पूरा ये परफेक्टली आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको एक प्लस आइकन इधर से दे देना है। उसके बाद थोड़ा दूर छोड़ के 8 सेकंड छोड़ के आपको फिर से 7 सेकंड में एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद इस तरह स्लाइड करके आपको उसको लेफ्ट साइड में ले आना है। तो इस तरह मैं स्लाइड करके ले आता हूँ, तो आपको परफेक्टली पूरा रेड जो लाइन दिखाई दे रहा है इस तरह करके पूरा स्लाइड करके इतना आपको रखना है, जो कि हीरोइन का फेस थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। उसके बाद पूरे एंड में जाना है, फिर से आपको एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद इस तरह स्लाइड करके थोड़ा आपको इतना आपको रख लेना है, जैसे कि पूरा फेस दिखाई देगा। तो इधर से देख सकते हैं, मैं आपको पे करके दिखाता हूँ। इस तरह कुछ देख, पहले से आपको स्पीड में इस तरह आएगा, उसके इधर से स्लो में जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से हो गया। उसके बाद हमको इधर से रोटेशन इफेक्ट ऐड करना है। तो इसके लिए आपको जो इमेज इधर एंड होता है थोड़ा दूर छोड़ के 4-5 सेकंड दूर छोड़ के आपको आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल ट्रांसफर जाना, रोटेशन में जाके एक प्लस आइकन दे देना है। उसके बाद पूरे एंड में जाके एक प्लस आइकन देना है। उसको आपको इधर से -90° कर लेना है, जो लास्ट में आपने की ऐड किया था। उसके बाद ये थर्ड वाला ऑप्शन जो साइज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये आरो में क्लिक करना है। करेंगे तो वो जितना भी जिधर भी आपका प्लस आइकन था उधर चला जाएगा। फिर से आपको प्लस आइकन ऐड कर लेना। उसके बाद ये आरो में क्लिक करना है, एंड में आ जाएगा। फिर से आपको प्लस आइकन ऐड करके इसका जो साइज है आपको इधर से इंक्रीज कर लेना है। जब जितना बड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं 3500 रख लेता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। इस तरह जाएगा तो देख सकते हैं इस तरह रोटेशन इफेक्ट देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा एक इमेज हो गया। उसके बाद सेकेंड इमेज ऐड करने के लिए फिर से प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। उसके बाद जो भी आपका सेकेंड इमेज है इधर से ऐड कर लेना। तो इधर से मैं सेकेंड इमेज ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इस तरह रख लेना। फिर से आपको सेम प्रोसेस, उसको आपको साइज कर लेना है। पहले आपको इस तरह करके पूरा फुल स्क्रीन कर लेना है, जूम करके इधर से मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से इमेज को आपको पहले जितना सेकंड तक है उतना सेकंड आपको कितना सेकंड तक रखना है उतना सेकंड तक पहले ले आना है। तो फिलहाल मेरा जो लिरिक्स एंड होता है सेकंड 6.22 सेकंड तक, उतना सेकंड आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इमेज उतना सेकंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोबाइल ट्रांसफॉर्म जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले स्लाइड करके एक साइड में आपको इस तरह लेफ्ट साइड में इसको आपको रख लेना है, इस तरह पूरा रख लेना है। रखने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, एक प्लस आइकन देना है। उसके बाद थोड़ा दूर छोड़ के 5-6 सेकंड छोड़ के फिर से एक प्लस आइकन देना है। इस तरह आपको इमेज को लेफ्ट से राइट साइड तक इस तरह स्लाइड करके आपको ले आना है। तो इसमें मैं ले आता हूँ। इतना आपको थोड़ा इतना आपको फेस रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा स्ट्रेट आपको रखना है इधर से। उसके बाद पूरे एंड में जाना है, फिर से एक प्लस आइकन देना। देने के बाद थोड़ा आपको उसको आगे को
जस्ट थोड़ा आपको इतना रख लें तो देख सकते हैं सेकंड इमेज इस तरह आपको कुछ दिखाई देगा। फर्स्ट इमेज इस तरह जाएगा तो ये देख सकते हैं सेकंड इमेज इस तरह आएगा, देख सकते हैं कितना परफेक्टली हो गया। तो ये देख सकते हैं ये हो गया। फिर से आपको एंड में सेम इफेक्ट देना है जो आपको मैं बताया था। तो आपको थोड़ा दूर छोड़ के आना है, मूव ऑन ट्रांसफर जाना है, रोटेशन में जाके एक प्लस आइकन, एंड में जाके प्लस आइकन, तो उसको मैं प्लस 90 किया था उसको आपको माइनस 90 डिग्री कर लेना है। इतना आपको रखना है। रखने के बाद फिर से साइज़ में जाना है, जाने के बाद आपको ये आरो में क्लिक करना है एक प्लस आइकन, एंड में जाके एक प्लस आइकन, उसको ये साइज़ को आपको इधर से इंक्रीज़ कर लेना है। तो इधर से मैं कर लेता हूँ तो अपने इसे सब उसको इंक्रीज़ कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिले, देख सकते हैं इस तरह कुछ रोटेशन इफेक्ट देखने मिले। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको क्या करना है, एक प्लस 90 डिग्री और एक माइनस 90 डिग्री कर लेना है। उसके बाद आपको इमेज को ऐड करना है, आपको एक इस तरह इमेज को ऐड करने के बाद सभी इमेज में आपको सेम इफेक्ट देना है। एक स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, उसके बाद थोड़ा दूर छोड़ के प्लस आइकन, उसके बाद एंड में प्लस आइकन देना है। फिर से रोटेशन में जाना है, एंड वाला जो इमेज है आपको इधर से प्लस आइकन देना है, उसके बाद एंड में जो प्लस आइकन देना प्लस 90 माइनस 90, एक इमेज प्लस 90 और एक इमेज माइनस 90। उसके बाद साइज़ में जाके आपको प्लस आइकन एंड में दे देना है, उसके बाद एंड वाला जो किया आपको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। तो फटाफट से मैं बाकी जितना भी इमेज ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरह करके पूरा जो इमेज को मैं अभी ऐड कर लिया, ऐड करने बाद जो स्लाइड वाला इफेक्ट है मैं ऑलरेडी ऐड कर लिया। तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा इधर से इफेक्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं बीच में एक मैं जो ये बीट वाला इफेक्ट अगर ऐड किया हूँ, देख सकते हैं। तो इधर से मैं थोड़ा प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये बीट वाला इफेक्ट ऐड किया। तो इसको कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको एक इमेज में दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो जिधर भी आपका लिरिक्स एक लाइन एंड होता है उतना तक आ जाना है। तो फिलहाल ये सॉन्ग में मेरा 2.1 में एक लिरिक्स एंड था। उसके बाद आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है, मूव ऑन ट्रांसफर जाना है, साइज़ में जाना है, जाने के बाद एक प्लस आइकन दे देना है। उसके बाद थोड़ा 2-3 सेकंड छोड़ के आपको फिर से एक प्लस आइकन दे देना है। तो 2.5 में मैं चला देता हूँ। उसके बाद पूरा बीचों बीच आना है, आने के बाद एक प्लस आइकन देना है, देने के बाद जो बीच में आपने की ऐड किया था उसको आपको इस तरह थोड़ा इमेज को जूम कर लेना है। तो इधर से मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट आपको देखने मिला। देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा इफेक्ट लग रहा है, इस तरह देखने मिला। तो सेकंड में और एक इमेज में आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर से मैं जाता हूँ, जिधर भी लिरिक्स थोड़ा एंड होता है उतना तक मैं चला जाता हूँ। तो फिलहाल मेरा जो इतना मैं आता हूँ, आने के बाद मोबाइल ट्रांसफॉर्म जाना है, साइज़ में जाके एक प्लस आइकन, थोड़ा 2-3 सेकंड छोड़ के जाना है, जाने के बाद आपको फिर से एक प्लस आइकन दे देना, उसके बाद बीचों बीच आना है, आने के बाद एक प्लस आइकन देना, उसको बीच में जो किया रखे थे उसको आपको थोड़ा जूम कर लेना है। तो इधर से मैं थोड़ा प्ले करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरह एक इफेक्ट देखने मिला है। देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि लग रहा है। तो ये हो गया, देख सकते हैं सभी इमेज में ऑलरेडी मैं ऐड के लिया कर लिया था। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से ऐड करना है टाइल्स वाला इफेक्ट। तो आपको पहले इमेज को प्ले करके देखना है एंड में, देख सकते हैं इधर से कोई भी साइड में ब्लैक ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा, देख सकते हैं। तो इधर से देख सकते हैं ये जो इमेज में इधर से ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो उसको आपको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको इधर से सर्च करना है टाइल्स, ये वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपको जो मिरर है इधर से ऑन कर लेना है। तो देख सकते हैं इधर से ब्लैक ब्लैक जो है वो अभी दिखाई नहीं देगा, देख सकते हैं इस तरह ये पूरा कवर हो जाएगा। तो इसी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके जिधर भी आपका आपको एक ऐड कर लिया मिरर, आपको क्या करना है इधर से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इधर से एक एक इमेज को देखना है कि आपका जो साइड में जिधर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, सिर्फ इमेज को क्लिक करना है, इफेक्ट में जाके आपको पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके जितना भी आपका इमेज है अगर ब्लैक ब्लैक साइड में दिखाई दे रहा है तो आपको पेस्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, अभी मैंने जितना भी इमेज है सभी में टाइल्स वाला इफेक्ट ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से स्टार्टिंग में आना है, आने के बाद आपका जो भी चैनल का लोगो है इधर से आपको वाटरमार्क ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फाइनली देख सकते हैं हमारा जो कि वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। होने के बाद सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन जाना है, वीडियो का आपको इधर से फुल HD में क्वालिटी आपको फुल लेके इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है।